हेलो एवरीवन, माय नेम इज आसिफ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनजेड सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम टीपी लिंक की तरफ से आने वाले इस वाईफाई अडेप्टर जिसका मॉडल नंबर है TLWN725N, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इसके ड्राइवर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने का कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है टीपी लिंक की तरफ से आने वाला 150 Mbps वायरलेस एंड नैनो USB अडेप्टर। इसका मॉडल नंबर है TLWN725N। ये 3 ईयर वारंटी के साथ आता है। ये विंडोज, मैक एंड लाइनक्स तीनों में सपोर्ट करता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि इसकी सिस्टम कंपैटिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे कंप्लीट वर्जन का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप विंडोज का देख सकते हैं, लाइनक्स का देख सकते हैं एंड यहाँ पर मैक OS का भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड पीछे भी कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह दी गई हैं। एंड ये है हमारा वाईफाई अडेप्टर जिसे हम अपने PC में लगाते हैं। तो इसे हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। बाय द वे, मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया था। तो बॉक्स में आता है हमारा ये मेन वाईफाई अडेप्टर एंड उसके बाद एक कैसेट आती है जिसमें ड्राइवर होता है, बट हम इसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ओल्ड वर्जन होता है ड्राइवर का, तो इसको साइड कर देते हैं। उसके बाद एक हमें इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। एक साइड इसमें वैसे विंडोज़ के लिए जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो है एंड सेकेंड साइड में मैक का इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा वाईफाई अडेप्टर है। हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। कुछ ऐसा गोल्डन टाइप का होता है और ये बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ पे आपको ऊपर टीपी लिंक की ब्रांडिंग दिख जाएगी। यहाँ पर इसे अब हम PC में लगा लेते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जहाँ हम इसके ड्राइवर को डाउनलोड कर इंस्टॉल करने का प्रोसेस देखेंगे। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अभी हमने वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया हुआ। देखिए, अभी मेरा जो कंप्यूटर है वो एथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए भी वाईफाई का एक्सेस यहाँ पर नहीं आ रहा। आपको गूगल पे सर्च करना है टीपी लिंक वाईफाई अडेप्टर एंड ड्राइवर का मॉडल नंबर डाल देना, जैसे है TLWN725N। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट वाला लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरीके का वेबसाइट ओपन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे अडेप्टर की इमेज है और यहाँ पर अडेप्टर का मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर ड्राइवर दिए हुए हैं। जैसे पहला वाला जो है ये विंडोज 10 और 11 के लिए है एंड सेकेंड वाला मैक OS के लिए। तो इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लाइनक्स के लिए है, फिर मैक के लिए है, फिर विंडोज 7 के लिए है। तो हर वर्जन के हिसाब से अलग अलग ड्राइवर्स हैं। तो अभी हम विंडोज 10 और 11 के लिए डाउनलोड करेंगे। तो आपको सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, कुछ ना इस तरीके की वेंडर फाइल होती है, तो इस पर आपको माउस से राइट क्लिक करना है। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल फाइल बन जाएगी, कुछ इस तरीके की नॉर्मल फाइल बन जाएगी। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको माउस से राइट क्लिक करना है। उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर यस कर देना है। तो ये आपके अडेप्टर को फाइंड कर रहा है। ठीक है, इसे अडेप्टर मिल गया, इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ड्राइवर इज इंस्टॉल्ड, नाउ यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू वाईफाई नेटवर्क। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेट कनेक्ट है वो एथरनेट केबल जो होती है उसके थ्रू कनेक्ट है। केबल हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर अब एक नॉर्मल सा नॉट कनेक्टेड आ गया है। ठीक है, अब उसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आ गई। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला वाला है, मेरा वाईफाई नेटवर्क है, तो हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो पासवर्ड डालना है यहाँ पर। तो देखिए हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। नीचे आप देख सकते हैं वाईफाई का आइकन बना हुआ आ रहा है। एक बार हम इंटरनेट यूज़ करके भी देख लेते हैं, एक बार यूट्यूब भी ओपन कर देते हैं। यस, फास्ट, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आ रहा हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।